लगता है ओबी को पूर्वी के बारे में बहुत गलत फहमी हो गई। पूर्वी बेचारी तो ऑनर के साथ बहुत ही खुश है। ये समस्या की जड़ उस ससुरा अर्जुन। हम जाकर ओबी से बात कर रहे थे। परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। चल गाड़ी से। कहाँ देख रही हो? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। कहाँ हुआ है वो भी? दादा। दादा। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। नहीं अभी कहा हुआ हमका बताना। यारा सब खत्म हो गया मेरा। नहीं अभी शांत शांत कुछ नहीं हमको बता हुआ क्या है? ऐसन क्या है रोरी हमका बता। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कौन दिया तुमको धोखा बताना हमको। अर्जुन पूर्वी दादा। नहीं नहीं वो भी तेरे को गलत फहमी हुई है। वो लोग कुछ नहीं किए। हम देखे हैं ऑनर के साथ खुश है पूर्वी। नहीं दादा अर्जुन से मैंने सब कुछ दिया। इतना प्यार किया बस देखो ना क्या कर दिया उसने। पूर्वी पूर्वी ने सब जीत लिया। कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं है। सब खत्म हो गया। ओबी ओबी शांत हो जा। अभी हमको एक बात बता। पूर्वी तो तोरी बहन है। वो काहे तोरे को धोखा देगी? नहीं दादा अब नहीं जानते उसे। उसने मुझे उसने मेरी सारी चीजें मुझसे छीनी है। और आज जो थी मुझे सबसे प्यारी थी वो भी बस अब कुछ नहीं बचा है मेरी जिंदगी में। कुछ नहीं। ऐसे नहीं कहते शांत शांत ऐसे नहीं कहते। अरे अभी अभी तो तुम माँ बनी हो। परी जैसी इतनी खूबसूरत बेटी तुम्हारी गोद में है फिर कहाँ ये सब कह रही हो? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ हो भी। क्या लगता है तुम्हें ये तसल्ली देकर तुम मेरे करीब आ जाओगे? तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। पहले मेरे करीब आओगे और फिर मुझे धोखा दोगे। नहीं अभी हम मुझे किसी रिश्ते में भरोसा नहीं रहा। डोंट टच मी। मुझे अकेला छोड़ दो। दो रहो मत मेरे साथ। हेलो तुम पहुंच गई ना? हाँ। तो फोन नहीं किया तुमने? मुंबई के मुंबई में ही हूँ। दुबई नहीं गई हूँ और अपनी चौल में ही हूँ। इसमें इन्फॉर्म क्या करना? आई नो वो तो है पर फिर भी। एनीवेज बोलो। अच्छा सुनो एक इम्पोर्टेंट बात। एक बार ना सोने से पहले चेक कर लेना कि चारुलता जी की जो घड़ी है ना वो वहाँ जो बेड साइड टेबल के बाजू में उसमें ढंग से चाबी भरी है। क्या पता अलार्म ना बजे। याद एक दिन ऐसी हुआ था उन्होंने चाबी शायद पूरी तरह भरी नहीं थी तो अलार्म नहीं बजा था। स्नेहलता जी की जब आँख खुली सुबह उन्होंने दरवाजा खोला बिल्ली दूध का पैकेट उठा के ले गई थी। तुम्हें पता है ना उस दिन घर में कितना ड्रामा हुआ था। अब मुझे ना ये सब ड्रामा नहीं चाहिए घर में। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं कुछ सोच रहा था एक्चुअली। मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हाँ तुम्हारी बातों के बारे में ही सोच रहा था एक्चुअली। मेरे बारे में मतलब? मतलब कि तुम हमारे परिवार की छोटी सी छोटी बात जानती हो। हमारे परिवार का हिस्सा लगभग बनी चुकी हो फिर भी मेरी मम्मी को स्नेहलता जी करके बुलाती हो। अब पता नहीं बट आई होप एक दिन ऐसा दिन आएगा कि मुझे परमिशन मिलेगी और मैं उन्हें आई मम्मी जी या जिस नाम से वो पसंद करेंगी उस नाम से उन्हें पुकारूंगी। ठीक है डोंट वरी वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। आई होप सो। चलो अपना ख्याल रखना। अब मैं फोन रखता हूँ। बाय गुड नाइट। कैसी बेटा
अच्छी। अच्छा हुआ तू आ गई। और एक बात बता, तुझे अच्छा तो लगता है ना उस घर में? बहुत। मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक अलग एक पराई फैमिली में रहने जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली से निकल के दूसरे परिवार में गई हूँ। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मॉम के साथ एडजस्ट करने में, लेकिन जिग्नेश है ना, उसने मेरी बहुत हेल्प की। ये जिग्नेश सनी का भाई है ना? हाँ वही है। मैं तो कभी कभी हिम्मत ही हार जाती थी, मैं कहूँ मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर जिग्नेश मुझे कहता था, नो तेजू यू कैन डू इट, तुम कर लोगी। आपको पता है छुट्टी लेता था वो, फरसान शॉप आता था मेरी हेल्प करने के लिए। काफी बार बचाया उसने मुझे अपनी मॉम से। चल ये तो बहुत अच्छा है, और सुनकर खुशी हुई कि तू ऐसे घर में जाने वाली है जहां जिग्नेश जैसे अच्छे लोग रहते हैं। आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर पुनीत भाई ने मुझे इस होटल में क्यों बुलाया था? वो खुद तो आई नहीं और मेरा फोन भी नहीं उठाया। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। जी बाबा। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। अच्छा बेटा, कल अर्जुन और ओवी की मैरिज एनिवर्सरी है, और इस खुशी में हमने एक पार्टी रखी है। तुझे और ओनिर को भी आना है, और हाँ घर में भी बाकी सबको बता देना कि मैंने उन्हें इनवाइट किया है। वेन्यू का एड्रेस मैं तुझे मैसेज कर दूंगा। जी बाबा। ये लो पानी पी लो। अच्छा ये पुन्नी ने क्यों बोला था तुम्हें? क्या हुआ मिस्टी, तुम इतनी टेंस्ड क्यों लग रही हो? अनिल बाबा का फोन आया था, कल ओवी और अर्जुन की एनिवर्सरी है ना, तो वो उस खुशी में पार्टी दे रहे। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं अनिल, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं कल पार्टी में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अनिल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अर्जुन को कन्विंस किया था कि वो ओवी से शादी कर ले। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब अपनी शादी वाले दिन मैंने अर्जुन को बुलाकर अर्जुन मैं चाहती हूँ कि तुम ओवी से शादी कर लो, और अब परी की सच्चाई सबको बता के मैं ही उन दोनों की शादी तोड़ रही। उन्हें पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी ताकि मैं वहां पे कमजोर ना पड़ जाऊं, लेकिन कल ओवी और अर्जुन की एनिवर्सरी है, मैं सबको सच्चाई नहीं बता सकती। अगर एनिवर्सरी से पहले ही ओवी को ये सब सच्चाई पता चल गई तो वो टूट जाएगी। मैं ओवी को इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकती। मिस्टी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये तो इनफैक्ट अच्छा हुआ कि मैं पहले ही पता लग गया कि कल अर्जुन और रोवी की एनिवर्सरी है। करे सच्चाई सबके सामने आ जाती तो फिर सब पर क्या बीतती। तुम एक काम करो, फिलहाल किसी को कुछ मत बताओ, ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम लोग बाबा के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे, और फिर आगे जो होगा उन्हें हैंडल करने देते हैं। अब सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी, मगर उन्हें हमें पुन्नी ताई पे ध्यान रखना होगा। अरे हाँ, पुन्नी ने तुम्हें क्यों बुलाया था? पता नहीं, मुझे होटल में बुलाया था और फिर खुद ही नहीं आई। मैंने उनको कितनी बार फोन भी किया लेकिन उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया, और मुझे लगता है पुन्नी ताई के दिमाग में कुछ चल रहा है। एक बार ये ओवी और अर्जुन की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन खत्म हो जाए ना, उसके बाद हम पापा को सब कुछ बता देंगे।
शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। Happy anniversary, Ovi. पुनीता ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मैं घर वालों को ये बताने वाली हूँ कि परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। डार्लिंग, ओशना, हाय, क्या? हाँ परी, हम चलते हैं मामा की तबीयत खराब। सोम, ये तो हम कैसे अर्जुदाई? अब वो ठीक है ना? कोमा से बाहर आ गई? नहीं माई, वो अभी भी कोमा में। लेकिन फिर तेरे जमानत के पेपर्स पे जो दस्तखत थे वो उन्हीं के हैं। लेकिन कैसे? माई हम इनके बारे में डॉक्टर से पूछे, वो हमको बताए कि कोमा में जाए से पहले वो वकील को बुलवा कर दस्तखत कर दी थी और ऊपर ही लिखवाया था कि सोहम बेगुनाह है। ऐसी है मेरी अर्चुदाई, बहुत बड़ा दिल है उसका, लेकिन इतना बड़ा दिल होने के बावजूद वो मुझे माफ नहीं कर पाई। मतलब सोच, मैंने उसका कितना दिल दुखाया होगा। नहीं, मैं उसके माफी के लायक ही नहीं हूं, नहीं हूं। जाने दे वो सब कुछ। मैं अस्पताल में वो भी मिली थी। ओवी, लेकिन इतनी रात गए? हाँ माई, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आया कि वो इतनी रात गए वहां क्या कर रही थी। लेकिन माई वो बहुत ही रो रही थी, वो बार बार अर्जुन पूर्वी का नाम लेके रो रही थी, कह रही थी कि वो मिलते हैं। हम जब उसको पूछने की कोशिश किए तो हमें समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रही। उसकी हालत बहुत ही खराब थी माई, हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा कि हसन कहा है कि वो इतना रो रही थी। पता नहीं हम कल, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हुआ है उसके साथ। भाई वो बार बार पूर्वी का नाम ले रही थी, कह रही थी कि धोखा दी है। लेकिन पूर्वी कहाँ ऐसा करेगी, वो तो उसकी बहन है ना।
जरूर कोनो गलत फहमी हुई है माइयों को। भाई तोरे को पता है आज हम उसे पहली बार मिले और वो हमरे कंधे पर सर रख कर रोई माही। वो हमको एक तो बड़ा भी होने का एहसास दिलाई, हमको ऐसा पूर्वी दिलाती है। लेकिन भाई ऐसा कहा है जो जोनों को इतना दुख दे रहा है। रुक, हम देखते हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते। आइए ना सोहम, आइए अंदर। अरे सलाम दे भाई। अरे सोहम, तुम कह रहे थे ना तुम्हें पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है, तो मैंने अपने दोस्त से बात करके रखी है। हाँ बताइए। एक्चुअली उसे बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिला है होटल इम्पीरियल का, वहाँ एक्स्ट्रा लड़कों की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा नाम कह दिया। काम सिर्फ एक ही दिन का है लेकिन पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे। कल एक काम करना, गोडाउन से सीधा होटल चले जाना, और हाँ देर मत करना, मानव देशमुख की पार्टी है, उनकी बेटी ओवी की शादी की सालगिरह है। नहीं था भाई, कल हम नहीं आ पाएंगे, हमारी जगह कोनो और को भेज दीजिएगा। सोहम नहीं नहीं दया भाई, ये आ जाएगा, मैं उसे भेज दूंगी। अच्छा तो ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तूने काहे हाँ बोला, हम नहीं जाएंगे मानव देशमुख के वहाँ। तू क्यों नहीं जाना चाहता, मानव जीजू की वजह से क्यों परेशान हो रहा है? देख तू मानव जीजू के लिए नहीं अपनी बहन ओवी के लिए चला जा। हम नहीं जाएंगे मामा। सोहम तूने उसके दुख में उसका साथ दिया ना, कल तो उसके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तो उसके साथ उसकी खुशियों में भी शामिल हो जा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। देख शायद बापा की भी यही इच्छा है, इसीलिए तो ये काम खुद ब खुद चलकर तेरे पास आया है ना। तू जाएगा ना, लेकिन सुन तू किसी के सामने मत आना, हो सकता है तुझे वहां देखकर उन्हें अच्छा ना लगे। ठीक है मैं नहीं आई, मैं वानी जाऊं। अरे क्या नहीं आएगी तू, पागल हो गई क्या पुन्नी? देख बेटा ऐसे फैमिली फंक्शन में आना बहुत जरूरी है, कल की पार्टी के लिए तो तेरे मानव काकू ने खुद इनवाइट किया है ना, और बार बार इनवाइट किया खुद आगे होकर, तो फिर हमारा जाना तो बनता है ना। और देख अभी मैं कोई बहस नहीं सुनूंगी तेरी, बस तेरा आना बनता है तो बनता ही है। ठीक है आई, मैं अर्जुन और रवि की एनिवर्सरी में जाऊंगी। आई मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अब आई का फोन आया था, मानव काका ने हमें अर्जुन और रवि की एनिवर्सरी के लिए बुलाया है। मुझे तुम्हारे फैमिली फंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, सुना तुमने? और तुम्हें भी मैं जाने देता हूँ ना कि हर कोई फंक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरा काम कर सको। मेरे काम का क्या हुआ? प्रॉपर्टी पेपर्स पे आज जी के सिग्नेचर्स हुए या नहीं? नहीं। क्यों, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? अच्छे मुहूर्त की राह देख रही हो तुम, एक काम ठीक से नहीं कर सकती यार तुम। नहीं मैं कोशिश कर रही थी। कोशिश? मैंने फिर ये काम पूर्वी को दे दिया, वो एक्चुअली मुझे पूर्वी के खिलाफ कुछ सबूत मिले। पूर्वी के खिलाफ क्या सबूत, कैसा सबूत? ये तुम्हारे पास, ये तो वही सीढ़ी है जिसमें ओनर के खिलाफ सबूत है। यार ये तुम्हारे पास थी तो मुझे पहले क्यों नहीं दी? हाँ अरे ये मैं कोर्ट में देता और वो जेल में सड़ रहा होता। यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कोई बात नहीं क्या? कोई बात नहीं पुन्नी, यू नो ओनर और पूर्वी का सच तुम्हारे परिवार के सामने लाने के लिए कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। ये सीडी मैं ओवी को गिफ्ट करूंगा उसकी एनिवर्सरी पर।